प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफ जई को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान से लेके भारत और पाकिस्तान के जो शांति दूत हैं उनको भी उधेड़ के रख देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया अली खान हमें ज्वाइन करिए। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच फखर भाई मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़िया, एक तो थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं जो लाहौर में जो कुछ हमें देखने को, मुझे वैसे वो 5 M's में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है और हमारी सोसाइटीज के अंदर ये होता है, आपके यहाँ हो सकता है कम होगा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा और रेगुलर बेसिस पे, और शायद सजाएं भी उस तरह की हमारे यहाँ नहीं मिलती इन लोगों को, इसलिए ये फिर इस तरह की हरकतें करते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं। थोड़ा सा इस पे आपका टेक चाहूंगा कि क्यों 58 और भी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें क्यों है बहुत ज्यादा। एक्चुअली फखर भाई, टू बी वेरी फ्रैंक एंड एवरीवन नोस अबाउट मी दैट आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर एंड एज वेल एज आई एम अ वेरी ब्लंट पॉलिटिशियन, वुमेन पॉलिटिशियन। People knows about me very well inside the courtroom, outside the courtroom, in any dais or munch, and in front of any camera. I am very blunt. We Muslims are devastate our life. We Muslims are doomed our life. हम तमाम मुस्लिम, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो भारत के हों, अपने इस इस्लामिक मेंटालिटी और अपने इस एक मजहब की किताब के चक्कर में अपने आप को बहुत पीछे रखते चले जा रहे हैं और इतने नैरो और कंजर्वेटिव माइंड और इतनी जाहिलाना हरकतें कर देते हैं, जिससे जो एडुकेट मुस्लिम है, जो शिक्षित मुस्लिम है, जो अपने विजन और फोकस पर बहुत क्लियर है उनको नजरें नीची कर देनी पड़ती हैं, उनको नजरें झुकानी पड़ती हैं। आज फखर भाई, आप एक एडुकेटेड आदमी हैं, आज आप मेरे सामने बैठ करके अपने पाकिस्तान के बारे में इसलिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वो इंसिडेंट बुरा लगा, आपको वो हरकतें खराब लगी, तो इसलिए आपको मुंह खोलना पड़ा कि सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप जैसे शिक्षित लोग, आप जैसे एडुकेट लोग पाकिस्तान की अगर नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। आप सोचिए कि अगर एक औरत या एक लड़की, वो अगर कुछ अरबिक में लिखा हुआ कपड़ा अगर पहन करके निकल गई है तो क्या नंगा किया जाएगा उसको? क्या इचड़ा मार्केट के पास गुलमर्ग पीएस के बगल में क्या उसके कपड़े उतारने की जिद पकड़ लेगा 5,000 से ऊपर मुसलमान मॉब? बिल्कुल। क्या अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह तबारक ताला के नजदीकी 25 प्रॉफिट जो थे, जिसका जिक्र कुरान के हर आयतों में, हर सूरतों में है, क्या वो ये काम कभी किए हैं कि भाई तुमने तो कपड़ा उतार देना है? आदम और हव्वा तो नंगे आए थे जमीन पर, बाद में कपड़े की फैक्ट्री बनी और बाद में ये कपड़े का रिवाज आया। हव्वा और आदम तो नंगे ही जमीन पर उतारे गए थे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उस औरत के साथ जो घिनौना सलूक किया गया है और इस्लाम का एक झंडा लहराने की कोशिश की गई है या इस्लाम का एक सहारा लिया गया है औरत को एक बार फिर से सरे आम नंगा करने का, ये आज से नहीं, एक जमाने से चलता आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज भारत की मुसलमान लड़कियां बहुत वोकल हो चुकी हैं, बहुत ब्लंट हो चुकी हैं, क्योंकि 2016 में मेरे साथ खुद ये काम हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हुआ जी? मैंने अपने हाथ में अरबिक में, देखिए मेरी नजर में अरबिक इज आल्सो जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट, बिल्कुल लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, बिल्कुल, जिस तरह हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, चाइनीज है। हम अरब कंट्रीज में जाते हैं तो पेशाब खाने का लिखा रहता है बैतुल खुला, अरबी में लिखा रहता है, यू आर राइट, यस। बहुत सारे भारत के मुसलमान जाकर के उसको चूम लेते हैं, जिसकी काफी मीम्स भी बनती है कि पकाने को भी चूम लेता है,
क्योंकि वो अरबी लिखा हुआ रहता है। यहाँ तक कि रेलवे रेल में ट्रेन में अरब कंट्रीज में अरबी में जो अनाउंसमेंट होता है तो भारत के मुसलमान हाथ जोड़ लेते हैं, उसको दुआ समझ लेते हैं कि दुआ हो रही है। बाद में जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तब उसको समझ में आता है कि अच्छा वो अगला स्टेशन बता रहा था। तो इतने जाहिल हैं। मैंने अरबी में ये लिखवाया था। ओके राइट 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 सही। मेरी हैंड राइटिंग है बिकॉज आई हैव कमांड ऑन अरबिक पर्शियन बहुत सारे लैंग्वेजेस पे, बंगाली उड़िया इंग्लिश बहुत सारे लैंग्वेजेस पे, संस्कृत हिंदी उर्दू बहुत सारे लैंग्वेजेस पे मेरा कमांड है। और मैं लिखना पढ़ना बोलना सब चीज जानती हूँ। इवन संस्कृत तो मैं और अच्छे से पढ़ रही हूँ, पंडित जी को बुला करके मैं सीख रही हूँ। तो भारत के कई मौलाना उठे और कहे, और मुसलमान जितने भी लफंदरबाज जो युवा है जिनको 72 वर्जिन उरों का नशा है कि भाई नाजिया का हाथ काट दो, नाजिया का हाथ काट दो, मतलब इतना हाथ मेरा काट दिया जाए कि मैंने अरबी में लिखाया। मैंने कहा भैया पहले समझो कि मैंने लिखाया क्या है, फिर लिखवाया क्या है। अरबी इज जस्ट अ लैंग्वेज और मैंने लिखा है उम्मी हदियतु मिनल्लाह और मेरी माँ का नाम, मेरी माँ मेरी जिंदगी के लिए फरिश्ता है, ये मैंने लिखाया है उसमें अरबी। आप अंग्रेजी में भी लिखवा सकती है, हिंदी में भी लिखवा सकती है, उर्दू में भी लिखवा सकती है, वही होगा, मतलब तो वही होगा, एक ही होगा। हाँ तो मेरी नजर में अरबी इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। अब दिक्कत क्या है फकर भाई, ये आती है कि जो लोग इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं और जो लोग खुद को मुसलमान कह रहे हैं उन्होंने अरबी में कलाम पाक तो पढ़ा है पर वो समझते तो नहीं है। समझते है नहीं, आपकी बात दुरुस्त। 30 पारा अल कुरान का सबने पढ़ा है मोर और लेस। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के 99% मुसलमानों ने पढ़ा है। और अभी रमजान आ रहा है, सब कहेंगे हमने एक खत्मी कर ली, हमने दो खत्मी कर ली, हमने खत्म कर लिया, दो कर लिया, बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं, बेशक, बिल्कुल। इसमें एक रेस चलता है, इसमें एक रेस नुमा चलता है, इतने कर लिए आपने, इतने कर लिए, यस। हाँ तुम्हें भी 15वें पारे में हो, मेरा तो 18वां पारा है। एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल यही। मुझे ऐसा लगता है कि उस 99% भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों से अगर 7वें कलमे की मीनिंग अगर किसी से पूछ लीजिएगा तो वो नहीं बता पाएगा। सही कह रही है। अगर सूरे मरियम के मायने पूछ लीजिएगा कि सूरे मरियम में कहा क्या जा रहा है वो नहीं बता पाएगा। सूरे कौसर सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक की, उसका तर्जुमा नहीं पता होता हम लोगों को, झूठ क्यों हम बंदा बोले। सूरे इखलास का नहीं पता होता, बहुत छोटी छोटी सूरत है, टोटल 4-4, 3-3 आयत है उनके अंदर, हमें मतलब नहीं पता। सूरे मरियम में औरतों की हिफाजत से लेकर के औरतों की इज्जत तक की सारी बातें दोनों में ये चीज है, सारी आयतों में लिखी हुई है। और अल्लाह तबारक ताला ने सूरे मरियम में तीन सूरतें इस हवाले से, सूरे मरियम में अल्लाह तबारक ताला ने ये भी बताया है कि औरत की इज्जत कितनी बुलंद होनी चाहिए। लेकिन लोग उसको पढ़े जरूर है लेकिन उसको समझे नहीं है। और सबसे समझ भी जाए तो करते नहीं है, नहीं समझते ही नहीं। अब मुजाहिदी तो नहीं समझते लेकिन अगर कोई समझता भी है तो कहते हैं जरा। नहीं नहीं मैं फकर भाई इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जी जी समझते ही नहीं। और हमारे भारत में और पाकिस्तान में वो मुसलमान हैं जो मुल्ला को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो नहीं करते हैं। Right. जो मुल्ला की तबलीग को और मुल्ला के कहीं भी बातों के फॉलोअर हैं, जो अल कुरान के फॉलोअर नहीं है। आप देखिएगा हमारे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद की शादी के बारे में बोलो तो वो खुदकने लगते हैं, अल्लाह तबारक ताला के जिक्र पर भी नहीं जाते हैं। मतलब उनकी नजरों में प्रिय जो है, बहुत वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट जो है, वो अल्लाह से ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद है, जबकि ये गलत है। टू बी वेरी फ्रैंक ये गलत है। सबसे बड़ा अल्लाह है और अल्लाह के सामने ही हमें अपने सर को झुकाने की इजाजत है, इसके अलावा किसी के सामने। क्रिएटर ऑफ बिल्कुल है ना। अब तीसरी बात आती है फकर भाई कि एक तो पूरे मुसलमानों ने वो इचड़ा बाजार में उसको कपड़ा उतारने को कहा, उसको मलाइन किया, उसको डिफेम किया, उसके साथ अश्लीलता का व्यवहार किया। वो तो अच्छा हुआ कि वो एसपी आकर के सहरबानो उसने उसको बचा लिया, उसको तो दुआएं लगेंगी बहुत सारी मुसलमान लड़कियों की। अब दो मौलाना उसको बुला करके नाक रगड़वा रहे हैं और उसको माफी मंगवा रहे हैं। जी अब कैसे मौलाना है जिन्होंने उस कुर्ते पर पढ़ा नहीं कि उस कुर्ते पे अरबी में खूबसूरत लिखा हुआ था, हम भारत से बैठे बैठे पढ़ लिए। मैंने खुद पढ़ा, वीडियो सबके सामने,
सबके सामने कि हलवा लिखा हुआ और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस तरह की चीज। ये अरबी में उसमें खूबसूरत लिखा हुआ है, खा बा ऐसे करके लिखा हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कितने जाहिल, कितने झपट और कितने अश्लील दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं पाकिस्तान और भारत के, कि उन्होंने उस मॉब को उंगली उठा करके कुछ कड़ी खरी खोटी ना सुना करके उस मासूम औरत को ही नाक रगड़वा दिया। हालांकि माफी तो उससे मांगनी चाहिए थी, उस खातून से, उस फीमेल से, उस लड़की से मांगनी चाहिए थी माफी। आप सोचिए उसका मतलब कि लोग उससे माफी मांगते कि भाई हमने ज्यादती की, हमने गलत किया, हमने अपनी जहालत का ऐलान इन्होंने परसों से लेकर के आज तक में पाकिस्तान के मौलवी मुल्लाओं ने खास करके अपनी जहालत का पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। आप अल जजीरा पढ़िए, आप जितने भी बड़े बड़े सब पे स्टोरी लगी है, सब में पाकिस्तान के मुल्लाओं पर थूका जा रहा है और उनको बेइज्जत किया जा रहा है। क्यों बेइज्जत किया जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई अरब देश में पखाने को भी अरबी में बैतुल खुला लिखा जाता है, और लड़की ने अगर अरबी में खूबसूरत लिखा हुआ कपड़ा पहन लिया तो उसको नंगा करने की अनुमति आपको किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया बल्कि भारत और पाकिस्तान में रह रहे जो शांति दूत हैं उनको भी जम के धोया, उनकी जम के बैंड बजाई। और आपने देखा और जो भी लाहौर में इंसिडेंट हुआ उस औरत के साथ उसका भी जिक्र किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।